2018 में आज मैं स्टार्ट करने वाले सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स कौन कौन से हमारे पास पूछे गए थे और उनके सोल्यूशन क्या होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया हुआ है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगते हैं कि आपके वीडियो जो आपके लाइक करते हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हेमा एज इज 5 ईयर मोर देन और ट्वाइस हरी एज। तो हेमा की एज जो है हमारे पास 5 गुनी ज्यादा है हरी की एज। अगर हरी की एज हमारे पास अगर एक्स है तो हमारे पास हेमा की एज हमारे पास जाएगी 2x+5। नेक्स्ट बोला कि सुरेश एज इज 13 ईयर लेस देन 10 टाइम्स हरी एज। तो हरी की एज मेरे पास कितनी है, एक्स ली हुई है हमने, तो 10 टाइम्स हमसे बोला, किसने बोला हुआ हमारे पास है, तो हमारे को कितना मिलेगा। एक क्वेश्चन, इफ सुरेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हेमा, हाउ ओल्ड इज हेमा। तो हेमा की एज हमारे को निकालने की, हेमा की एज हमारे पास क्या होगी। क्वेश्चन में 3-4 वैल्यूज हमें दे रखी है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो देखिए वन बाय वन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फर्स्ट हमारे पास है, मान लेते हैं लेट हरी एज इज एक्स। तो हरी की एज अगर एक्स है तो हेमा की एज कितनी होगी। देयरफॉर हेमा एज, सेंटेंस क्या लिखा, हेमा एज इज 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द हरी एज, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 2x+5। ओके, नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है एंड सुरेश एज इज 13 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ हरी एज। 10 टाइम्स ऑफ हरी एज इसका मतलब क्या हुआ कि सुरेश की जो एज हमारे पास है, सुरेश एज इज 13 ईयर लेस देन और 10 टाइम्स ऑफ हरी एज। तो हरी की एज का 10 टाइम्स, हरी की एज का 10 टाइम्स हमारे पास कितना हुआ 10x, और उसमें हमने देखा लेस देन 13 यानी कि 10x-13। आगे हम सोचता है कि इफ सुरेश इज 3 टाइम्स, नाउ सुरेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हेमा एज। अब उसने क्या बोला कि सुरेश जो है हमारे पास 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज हेमा एज। हेमा एज हमारे पास कितनी थी 2x+5, इसमें हेमा एज हमारे पास सुरेश से कितने का होगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहां पर। दिस इज 10x-30=6x+50। 6 को यहां पर लेके आए तो कितना आएगा 4, 13 को वहां पर लेके आए तो कितना हमारे पास आएगा, दिस इज 28। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई हमारे पास 7। ओके, हमसे बोला है कि हाउ ओल्ड इज हेमा एज। अब हेमा एज हमारे पास कितने 2x+5। नाउ हेमा एज हमारे पास 2x+5, इट मीन्स दैट 2×7+5 यानी कि 19, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी ऑप्शन कहलाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या निकला, डी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर a1, a2, a3, an, वेयर an इक्वल टू 1/(n-1)/(n+2) फॉर ईच इंटीजर एन ग्रेटर देन 0। यहां पर n जो दिया हुआ इंटीजर दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। हमारे पास फर्स्ट 50 टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखें हमारे पास, देखें कैसे वो एपी जीपीए कुछ और लग सकते हैं नहीं तो या सिंपल हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हमारे पास एन कितना दे रखा है, गिवन एन की वैल्यू दे रखी है 1/(n-1)/(n+2)। तो अब अगर मैं यहां पर अगर a1 निकालता तो a1 मेरे पास कितना आएगा 1/(1)-1/3। a2 निकालूंगा तो कितना आएगा 1/(2)-1/4। a3 निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 1/(3)-1/5। ठीक है, और ऐसे अगर मैं यहां पर a48 निकालूंगा तो कितना मेरे पास आएगा 1/(48)-1/50।
और ए 49 अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 1/49 -1/51, और अगर ए 50 अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 1/50 -1/52। हमें निकालना है अपना एस 50 निकालना है हमें। तो देखिए क्या हमारे पास कुछ एपीजीपी कुछ लग रहा है हमारे पास, इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, जैसे ए वन ये हमें मिल रहा है 1/1/4 मिल रहा है, ये मिल नहीं, तो हमारे कुछ एपीजीपी हम लगा सकते ना। तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, दिस इज एस 50, एस 50 का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए 1, दिस इज ए 2, दिस इज ए 3 अप टू ए 48, ए 49 एंड प्लस ए 50। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 -1/3, नेक्स्ट मेरे पास है 1/2 -1/4, नेक्स्ट मेरे पास है 1/3 -1/5। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहूं यानी कि मैं इसके आगे चलना चाहूं तो मेरे पास ए 4 कितना मिलेगा, दिस इज 1/4 -1/6। फिर हमारे पास A 48 हमें कितना मिला है, दिस इज 1/48 -1/50, देन 1/49 -1/51, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1/50 एंड -1/50। तो आप यहां से देखिएगा कि हमारे पास को क्या है। अब देखिए यहां पर 1 मेरे पास है, 1/3 जो है मेरे पास कैंसिलेशन में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, 1/4 जो है इससे कैंसिल हो रहा है, 1/5 जो है नेक्स्ट वाले से होगा, 1/6 जो नेक्स्ट वाले से होगा, इस प्रकार देखेंगे आप यहाँ पे 1/48 हमारे पास जो इससे प्रीवियस सबसे कैंसिल होगा, 1/50 जो है इससे कैंसिल हमारे पास हो रहा है, और 1/51 और 1/49 हमारा प्रीवियस से ये भी हमारा कैंसिलेशन चले जाएगा, यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1, यहाँ बचेगा 1/2, और लास्ट में इन दोनों से माइनस साइन अगर हम निकालते हैं तो यहां पे बचेगा 1/51 और 1/52। ध्यान दीजिएगा टर्म हमारे पास जो ये वाली टर्म भी जो है इनके पिछली वाली टर्म से हमारे पास कैंसिलेशन पे आएगी, तो यानी कि हमारे पास जो सही ऑप्शन जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, इसका सही आंसर माना जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आप जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना करें पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।